اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله النبي الامين وعلى اله واصحابه وازواجه وسلم تسليما كثيرا واعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفس بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه محترم ناظرين وسامعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته आज के इस प्रोग्राम में जिस मौजू के तहत मुझे गुफ्तगू करनी है हालात को मद्दनज़र रखते हुए मैं कोशिश करूँगा कि सहबा कराम अमली ज़िंदगी और हमारी अमली ज़िंदगी का मुकाबला हो मुआजना हो हम देखें गौर करें कि आखिर वो क्या चीज़ थी सहाबा में कि उन्होंने कामयाबी हासिल की उनके जो फ़दाइल आए हैं मनाकिब आए हैं और बहुत सारी इनामात बहुत सारे इनामात इकराम बहुत सारे फ़जाइल का जिक्र आया है कुरान में हदीस में अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में बहुत सारा मकाम दिया आखिरत में बहुत सारे वादे अल्लाह ने फरमाए आखिर वो क्या चीज़ थी वो क्या इसबाब थे वो क्या जराए थे जो हमारे असलाफ ने अपनाए कामयाबी हासिल की कच्चे के आजमाए गए दुनियावी एतबार से परेशानियाँ उन पर भी आई मुसीबतें आई हमसे ज़्यादा आई तो वो क्या अमली तक थे हमारी उनकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क है अच्छा अहम बातें हैं इला आज के इस दरस में मैं बताने इस प्रोग्राम में बताने की मैं कोशिश करूँगा दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला जो भी बातें हम सुने अमल करने की अल्लाह से आदत नसीब फरमाएँ आमीन और रबारमीन तो देखिए अल्लाह ताला ने प्यारे नबी सल्ला वसलम को दुनिया में भेज बहुत बड़ा हम पर एहसान किया है बहुत बड़ा एहसान है अल्लाह ताला का प्यारे नबी सा आसन को भेजा आपके ज़रिए अपनी अपना दीन अपनी शरीयत और वो तमाम बातें जो पहुंचाना था अल्लाह ताला ने कमा हकू पहुँचाया और प्यारे नबी सासून ने इस अमानत को पहुंचाया और इस अमानत को सीखने सिखाने अमली तफादे पूरा करने के लिए आप के लिए ऐसे सहाबा का इंतब किया ऐसे अफराद अशखाज का इंतब किया और औरब का इंतब थे बेहतरीन इंतब थे जिन्होंने ईमानी तखादों को पूरा किया अल्लाह ताला से जुड़ने के तखादों को पूरा किया ताल्लुक बिल्ला को मज़बूत किया दीन से जुड़ गए कुरान से जुड़ गए नबी सासन से सच्ची मोहब्बत की उनकी ज़िंदगी में अजीब व गरीब इनकलाब आया अजीब गरीब अरब की बदोवा कौम जिनका कोई मकाम नहीं था दुनिया में मुर्दार खाने वाले अपनी बच्चियों को जिंदा दर गौर करने वाले शराब पीने वाले हर किस्म की बुराई थी उनकी ज़िंदगी में लेकिन जब यही शरीयत, यही कुरान जो हमारे सामने है यही शरीयत जो आज हमारे सामने है यही आहादी जो बेहतर शक्ल में आज हमारे सामने है वाज शक्ल में आज हमारे सामने है लेकिन क्या फ़र्क़ है हम और आप में अस असलाफ़ में और हम में क्या फ़र्क़ है वाज़ फ़र्क़ हैं वाज़ फ़र्क़ हैं उनका ज़ाहिर बातिन एक था हमारा ज़ाहिर बातिन एक नहीं है हमने ईमानी तदों को भुला दिया हमने ईमानी तदों को भुला दिया रब पर कैसे ईमान लाना है रब को कैसे पहचानना है रब से कैसी मोहब्बत करनी है मोहब्बत के क्या तखादे हैं प्यारे नबी सासुन का क्या मक़ाम है, आपकी सुन्नतों का क्या मकाम है हमने या तो नहीं सीखा या तो नहीं जाना और फ़िक्र नहीं किया या जानते बूझ कर हम अमली तखादों को पूरा करने में कोताही कर रहे हैं गफलत के शिकार हैं नाफ़रमान हैं उक हैं और मैं क्या कहूँ अल्लाह की पना साहबा ने ऐसा नहीं किया ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारी जब तब्दीली आ गई आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने अपने आप को बदल दिया उनकी ज़िंदगी बदल गई अरब की वो बदू कौम जिन्होंने कम अर्से में अल्लाह के नबी सा को जो कामयाबी मिली अल्लाह अकबर और साहबा ने जो कामयाबी हासिल की वह आज हमारे सामने किताबें हैं सफ़ात भरे पड़े हैं पढ़ते भी हम हैं लेकिन समझने के लिए तैयार नहीं दुरूस व इबर जो दुरूस हैं इबरतें हैं उसको लेने के लिए हम तैयार नहीं अपनी ज़िंदगी में अमली तकादे पूरे करते हैं अच्छी चीज़ों के लिए करते हैं खाने पीने में सुन्नतें याद हैं सहाबा के तौर तरीके याद हैं अमल की बारी जहाँ आती है कुर्बानी का मसला आता है जान की कुर्बानी माल की कुर्बानी वक्त की कुर्बानी और दीगर जो क़ुरबानियाँ हालाँकि अल्लाह मोहताज नहीं हमारा हमारी इन तमाम चीज़ों का मोहताज नहीं है तो मैं बता रहा था के रब, था, रब, था, रब, था, रब था, जलाल, अल्ला अल्लाह समद है अल्लाह समे नियाज़ है वो किसी का मोहताज नहीं अम्बिया ने भी जो क़ुरबानियाँ दी साहबा ने भी जो कुरबानियाँ दी क़ियामत तक आने वाले जो कुछ करेंगे रबाल हमारे किसी चीज़ का मोहताज नहीं उसका खसूसी फ़ल है कि उसने हमारी ख़दरदानी की हमारी ख़दरदानी की है उसका खसूस फल जब तक हमें हासिल ना होगा प्यारे नबी सासन की ज़बानी ऐलान कर दिया अल्लाह ने कि कोई किसी का अमल उसको कामयाब नहीं कर सकता जन्नत में दाखिल नहीं कर सकता इस बात को साहबा ने समझा इस बात को साहबा ने समझा उन्होंने जो कुछ किया हम उनके सामने कुछ भी नहीं है हमारा ईमान उनके ईमान के सामने कुछ भी नहीं साहबा का ईमान कैसा था फ़ैन आमनों बेमस्लिमा अमन तुम भी फ़द्दो अल्लाह ने ऐलान कर दिया क़ियामत आने वाले गरसे के सिया यहूद नसारा से यहूद से हैं ये लोग उस तरह ईमान लाएँ जिस तरह नबी के सहाबा ए सहाबा जैसे तुम ईमान लाए हो अल्लाह ने कहा हिदायत पा जाएंगे सहाबा जैसा ईमान मतलूब हैं अल्लाह उसका मोहताज नहीं है हमारे लिए मतलूब है हमारे सुधरने के लिए हमारी नजात के लिए हमारी कामयाबी के लिए हमें चाहिए कि हम सहाबा जैसा ईमान सहाबा जैसा इस्लाम लाए सहाबा जैसी अमानत व सदाक़त जैसी सिफ़ात को अपनाएं सहाबा जैसी सच्चाई हो सहबा जैसा किरदार हो अमली तकादे हों बंदे होने के नाते उन्होंने बंदगी का हक़ अदा करने की पूरी कोशिश की उम्मती होने के नाते प्यारे नबी सासम से सच्ची मोहब्बत की आपसी जो उल्फत और मोहब्बत हैं महम्मद रसोल्ला वल्दीन मा अश्दा वलकुफ़ार बनम ईमानी तफादों को पूरा किया अल्लाह ने कहा आपस में रहमदिल थे आपस में खैर खा थे आपस में गमख़ार थे सहाबा सब कुछ जानते हुए ऐसे हमारे जैसे बैठने वाले नहीं थे तमाशा देखने वाले नहीं थे दावे करने वाले साहबा नहीं थे उन्होंने अमली तफादे को पूरा किया साहबा ऐसी सच्ची मोहब्बत करने वाले अल्लाह ताला से बल्कि ऐसी कुर्बानियाँ उन्होंने दी कि आज जो लोग सहाबा के बाद से लेकर आज तक भी और क़ियामत तक भी जो आराम हमें मिल रहा है वो नबी साम की कुरबानियाँ उन्होंने अपनी आयश को कुर्बान किया अपनी नींदों को कुर्बान किया अपनी जान को कुर्बान किया अपने माल को कुर्बान किया सब कुछ लुटा दिया अल्लाह के रास्ते में आज हम उस बेस पर आज हम जिंदगी गुजार रहे हैं हम ऐसे नहीं कि आज जो इतनी आसाइशें हैं आज जो जीनतें हैं जो आज की ज़िंदगी ऐसे लगता है कि हम दुनिया के होकर रहेंगे वो तो दुनिया में इस तरह रहते थे आखिरत की तैयारी के लिए उन्होंने रहा दुनिया में अपने आप को ऐसे समझा आज हमने दुनिया की हकीकत को या तो नहीं समझा या समझते हुए बदमाशी कर रहे हैं गाफिल हैं सुस्त हैं हो गए हम लोग यही डर था अल्लाह के नबी सा यही डर था प्यारे नबी सल्लासम को यही फ़र्क है हमें हम और सहाबा में सहाबा को गर्स अल्लाह के नबी सा ने नसीहत की थी उन्होंने ऐसा नहीं किया खिलाफ वर्जी नहीं की शरीयत की फिर भी अल्लाह के नबी सासुन ने साहबा से ख़िताब करते हुए कहा मुझे इस बात का डर नहीं है कि तुम शिर्क करोगे तुम ऐसा करोगे कहा इस बात का डर है दुनिया खोल दी जाएगी दुनिया के अस्बाब आसान कर दिए जाएंगे और तुम दुनिया में एक दूसरे को सबकत करने में उसके पीछे पड़ जाओगे दुनिया के पीछे पड़ जाओगे और अमली जो तकाजे हैं ईमान के ज़िम्मेदारियों को भूल जाओगे कुर्सी तो मिलेगी तुम्हें अपनी जिम्मेदारी को भूल जाओगे मनसब मिलेगा तुम्हें अपनी जिम्मेदारी को भूल जाओगे सब कुछ मिलेगा तुम्हें पूरी दुनिया ऐसे ऐसे चा। हम चाहते हैं कि दुनिया ही में सब कुछ मिले वो भी देने के लिए रब तैयार है उसके खजानों में कोई कमी नहीं आज दे रहा है कोई भूखा नहीं सोता आज इल्ला माशाद रब खिलाने वाला वो है हम समझते हैं हम खिलाने वाले हम देने वाले हैं कोई देने वाला नहीं कोई खिलाने वाला नहीं जब तक रब ना चाहें साहबावत हैं एहसान नहीं करते थे वो लोग यही फ़र्क है हम में और साहबा में हमारे ईमान और उनके ईमान में वो कसौटी है मेयार था हक़ का मेयार ईमान का मेयार इस्लाम के मीर अमानतददारी का मेयार आदल इंसाफ के मेयार अपने खिलाफ भी मसला आता तो उसको बर्दाश्त करते नहीं करते आज हम हैं कि अपनों के लिए अपने लिए जीते नौज़ उन्होंने हमारे लिए ज़िंदगी गुजारी और जब रब ने चाह रब के हो गए रब के रास्ते में सब कुछ कुरबान कर दिया आज हम हैं कि रब के लिए कुछ करना नहीं चाहते अपनों के लिए तब आ गए आज हमारे अंदर वो जाहिलियत का तसुर तब और जाहिलियत से हम मुतािर हुए हैं नौज बिल्ला यही कि प्यारे नबी सासु ने पेशन गोई दी थी क़ियामत के करीब फिर जो है जाहलीत जैसा दौर शुरू होगा वो तसब आएगा वो फला आएगा उस वक्त तो वो लोग जिंदा होने के बाद बच्चियों को दरगोर आज पैदा होने से पहले माँ के पेट में हम मारते हैं नौज बिल्ला वो सब कुछ बुराई हम, जो कुरान में अल्लाह ने बयान की नोसम नलाम से लेकर ईसा आसमाम तक जिन अम्बिया का जिक्र अल्लाह ने किया उनकी कौमों का जिक्र किया आदमी सलाम के बेटों का भी ज़िक्र किया जो नाफरमानी हुई ये तमाम बुराइयाँ ये तमाम ख़सलतें आज उम्मत में भी आ गई इस उम्मत में आ गई सह में ये चीज़ें नहीं थी उन्होंने अपने आप को बचाया अगर से कि जिन जिनसे जो गलती अदना हो गई अल्लाह ने माफ़ कर दिया उनको सज़ा भी मिली माज़ असलमी को सज़ा मिली गादिया को सज़ा मिली खुद आकर उन्होंने करार किया आज हम हैं सब कुछ साबित हो जाता है फिर भी इनकार करते हैं बिल्ला। सब कुछ सामने देख कर जान कर हम इनकार करने वाले यही तो फ़र्क है हम सहाबा में, में। अल्ला अकबर, अल्लाह यही तो फ़र्क़ है हम और सहाबा में यही मुजना अगर इस तरह हम करेंगे तो हमारी जिंदगी तब्दील हो जाएगी हम दावे करते हैं बस सहाबा ने अमली तखादा सहाबा के फ़ज़ाइल पे नहीं बोलूँगा बहुत सारे लोग बोलते हैं हम सुनते हैं बचपन से हमें याद रखना चाहिए हम इसको ही भूल जाते हैं साहबा के मकाम को भूल जाते हैं साहबा ने क्या किया था सिर्फ दावे करते हैं हम मनहज नबी पर हैं मनहज साहबा पर हैं क्या है मनहज नबी मनहज साहबा किस चीज़ का नाम है? हकीकत में हमें मालूम ही नहीं है, इल्ला माशाल्ला। इल्ला माशाल्ला है अल्ला माशा इल्ला माशा जिन्होंने समझा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नेक बंदे आज भी हैं जो अमली तकादों पर चल रहे हैं मनहज नब्बी को समझ लिया उस पर चल रहे हैं और हम समझते हैं वो सबसे बड़े नाफ़रमान हैं सबसे बड़े आयश पसंद हैं सबसे बड़े दीन के गद्दार हैं हमने हमें वो मेार भी नहीं पता हमें अल्लाह वाले कौन है नहीं मालूम दीन के सही पासबाँ कौन है हमें नहीं मालूम हम उनसे दुश्मनी कर रहे हैं नौज़ बिल्ला सहाबा से आज भी दुश्मनी कर रहे हैं लोग अहले बैत का सहारा लेकर नौज बिल्ला झूठ बोल रहा है अहले बैत का सहारा लेकर आज इंसान झूठ बोल रहा है मुनाफिक साहबा का टाइटल लगा कर तकरीरें कर रहा है नौज बिल्ला खुद किसका टट्टू है खुद किसका बिका हुआ है किसका दरबारी है अबू हरेरा रजी अल्लाह को बनो मैया का दरबारी कहता है नौज़ बिल्ला ऐसे लोग आज हमारे सफ़ों में घुसे हैं उस दौर में भी थे अल्लाह के नबी सा के पीछे नमाज़ पढ़ने वाले अल्लाह के नबी के साथ जंग में जाने वाले उनसे जोड़ते हैं साहबा को बिल्ला मुनाफिक हमें नहीं मानूम निफाक हमें नहीं मानूम जब ईमान नहीं मानूम तो नफाक क्या मालूम है उमर रजी अल्लाह तुम तो कहा करते थे जिसको जाहलीत नहीं मालूम वो इस्लाम को नहीं पहचान सकता अल्लाह अकबर यही तो फ़र्क है हमने ईमान को नहीं पहुंचाना तो हम कुफर शर्क में पड़ गए निफाक में हम पड़े हमें पता नहीं हमने सच्चाई अमानत को नहीं पहचाना खीनत और झूठ हमारी ज़िंदगी में हमने फ़ला फला अच्छे सिफात को नहीं पहचाना अच्छे आदात को हमने नहीं पहचाना इसलिए गलत आदात गलत रस्म रिवाज आज हमारी ज़िंदगी में आ गए यही फ़र्क है हम में और साहबा में यही फ़र्क़ है हम में और साहबा में वो सबसे ज़्यादा दिल के पागो साफ़ थे हम गंदे हैं हसद कीना कपट सब कुछ जिससे अल्लाह ने मना किया आज हमारे दिलों में आ गया इल्ला माशाल्लाह तस्किया हम अपना करते हैं अल्लाह जिसका चाहे तस्किया वो फरमाता है अल्लाह ने हमें हुक्म दिया हम कोशिश करें दावे ना करें अल्लाह ने कहा सुर नज में अपना तस्किया मत करो अल्लाह जिसका चाहे करें कद लह मन तज़क का भी कहा कामयाब सहाबा ने कामयाबी हासिल की अपना तस्किया किया दिल को साफ़ किया पहले यहाँ इसको साफ़ करना है कपड़े कितने अच्छे पहन लें अपने घरों को साफ़ कर लें गलियों को साफ़ करें यह असल तहारत नहीं तहारत दिल की पाकि है दिल की सफ़ाई हैं विया बकफ़ तिर से पहले अल्लाह का मतलब है कपड़ों से पहले ज़ाहरी नज़ाफत से पहले अपने दिल को साफ करें ईमान यहाँ माव़ा रफ़ी कल्ब हसन बशरी रहम्ला ने सच फरमाया था ईमान वह है जो यहाँ बैठे उसके बाद ही यहाँ से निकलेगा उसका इकरार फिर अमल करके बताएं ये ईमान है आज हमारे अंदर कहाँ ईमान दिल में निफाक हमारे अंदर और जो मुनाफ नहीं उनको मुनाफिक समझ रहे हैं जो काफ़िर नहीं उसको काफिर समझते हैं ना नज़बिल्ल हमदारी जो बिदाती नहीं उसको बिदाती ये क्या मेार हैं हकीकत में हमने जाना नहीं हकीक़त में हमने सही चीज़ों को नहीं जाना अल्लाह को नहीं पहचाना दीन को नहीं पहचाना नबी का, का मकाम नहीं मालूम सहाबा का मक़ाम नहीं मालूम इसीलिए गलाज़तें आज हमारे अंदर आ गई या जान बूझ के कर रहे हैं यहूदियों ने जान कर अल्लाह के ना फर रख कर ऐसे लोग भी आज उम्मत में हैं जो अपने आप को बड़े प्रोफेसर समझते हैं बड़े स्कॉलर समझते हैं बड़े स्पीकर समझते हैं बड़े जो भी समझते हों अगर अल्लाह नहीं मालूम दीन नहीं मालूम नबी नहीं मालूम नबी के सहाबा का मकाम नहीं मालूम तो कुछ भी नहीं मालूम हमें सिफर हैं हम लोग सिफर कितनी डि डिग्रियाँ चाहे हक़ के साथ हासिल किए हों चाहे बातिल के ज़रिए हासिल किए हों झूठ का सहारा लेकर रिश्वत देकर लेकर किस तरीके कोई मकाम नहीं हमारा अल्लाह के पास सर्टिफिकेट वो है उसका अतबार जो अल्लाह ताला दे जिसका तस्किया अल्लाह फरमाए जिसको मकाम अल्लाह दे सहाबा को अल्लाह ने दुनिया में मक़ाम क्यों दिया दुनिया में जन्नत की खुशखबरी क्यों सुनाई रौदी अल्लाह मद की बशारत क्यों सुनाई थी वो नेक लोग थे वह हकीकी मोमिन थे अल्लाह को मालूम था खुशखबरी देने के बाद भी वो अमल करेंगे आगे बढ़ेंगे हम हैं कि हमें गारंटी किसी ने नहीं दी हम अपने आप को दे रहे हैं झूठा दावा कर रहे हैं नौज़िल्ला और इतनी सुस्ती गफलत अल्लाह की पना अल्लाह की पना अगर हमें सर्टिफिकेट नहीं मिली इतनी सुस्ती का ही नहीं। अगर मिल जाए तो पता नहीं कितनी सुस्ती करें यही फ़र्क है हमने सहाबा में सहाबा को क्योंकि सर्टिफिकेट सुनाई लेकिन अल्लाह ने महरूम नहीं किया नेक बंदों को बंदियों को कहा वल्लीन तबआउ बहसान जो क़ियामत तक सही मनहज सही तरीक़े को अपनाएगा सहाबा की ज़िंदगी को अपनाएगा अपने ज़ाहिर बातिन को साफ करेगा ईमानी तफादों पर पूरा उतरेगा अल्लाह ने वादा किया अल्लाह उनसे भी राज़ी हो जाएगी शर्त यह है कि हम वो ईमान लाएं जो सहाबा ने जिसे ईमान लाए उस तरह अमल करें जो सहाबा ने जिसे अमल किया वो कुरबानियाँ पेश करें जो सहाबा ने पेश की वो जज्बा अपने अंदर पैदा करें खैर खाई का अपनों के लिए अपनों से दुश्मनी अपनों से हसद तो गैरों से हमारा क्या सलूक होगा अपनों से लड़ाई अपनों से बहस नौबिल्ल हमारे पास इतना वक्त नहीं है इतना वक्त नहीं हमारे पास साहबा ने इसको समझा कि हमारे पास वक्त है रब की बंदगी कर लें दीन को समझ लें नबी से सच्ची मोहब्बत कर लें इतना काफ़ी है हमारे लिए सही बातें कर लें बुराइयों से अपने आप को बचा लें इतना काफ़ी है कि हम दूसरों की फ़िक्र करें दूसरों की ज़िंदगी गलत फ़िक्र अच्छी फिक्र तो करें दूसरों की असलाह की फिक्र करें सवाब मिलेगा अजर मिलेगा हम हैं कि ये बदनसीबी हैं ये सखावत है ला सलाह अल्लाशा सच फरमाए अल्लाह ताली ने कि जहन्नम कब्र का आदाब दुनिया की मुसीबतें दुनिया का आज़ाब उसको मिलेगा जो अशका सबसे बदनसीब हों जो रब को ना पहचानें रब के फराम को ना पहचानें रब के दीन को ना समझे कुरान को ना समझे कुरान की अज़मत को ना समझे नबी के सन्नत के मक़ाम को ना समझे सहाबा के मकाम सही मकाम को ना समझे वो कुछ नहीं समझ सकता जहनवियों के बारे में सुरे मुल्क में क्या कहा लो कन्ना नस्म और नाक़िल अगर हम सही मानों में सुनते अगर हमें अक्ल होती तो हम में नहीं जाते लो ये नादानी है जो हम कर रहे हैं या तो जान बुझ कर कर रहे हैं या अनजाने में भी कर रहे हैं तो गफलत से दूर रहें अल्लाह की पनाह हासिल करें मैं और आप अल्लाह से ताल्लुकात को मजबूत करें दीन से सही मानों में जुड़ जाएं अमली तकादे इसकी ज़रूरत है आज जिन अयाम से हम और आप गुजर रहे हैं बड़े नाजुक हालात हैं बड़े नाजुक हैं हर एक बता रहा है दुश्मन भी आगा कर रहा है अपने अमल से अपने किरदार से अपनी ज़बानों से फिर भी जागने के लिए तैयार नहीं इन अल्लाह रुमा भी कौमिन भी अनफु सिहम इस पर साहबा ने अमल किया अल्लाह ने कहा अल्लाह ताला उस कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलते जब तक कि उनके अंदर जज्बा ना हो इनकलाब का जज्बा ना हो बदलने का जज्बा ना हो चेंजेस का जज्बा ना हो सहाबा ने अपने आप में इनकलाब लाया समझा दीन को हती कि अबू जहल अबू लहब ने समझा दीन को अबू तालिब ने भी समझा था दीन को आज के ऐसे लोग हैं जिन्होंने दीन को नहीं समझा मजाक बने हुए हैं ज़िल्लत और रसवाई क्यों छाई है कि हमने सही ईमान को नहीं समझा ईमान के तखादे मोहब्बत के तखादों को हमने नहीं समझा दावे करना ये तफादा नहीं है खिलाफ वर्जी करना ये तखाज़ा है नौज़बिल्लिक ये पैमाना सूद को हमने कुछ और नाम दे दिया फ़ायदे का फ़लाँ चीज़ को ऐसा और दुनिया का नज़रिया ऐसा अच्छे लोगों को बुरा बोलते हैं ये कौन से अच्छे लोग हैं अच्छे लोगों को बुरा बोलने वाले अच्छे लोग हैं हैंबिया को दीवाना जादूगर पागल कहने वाले नबी वसम की इतबा करने वाले सहाबा को दरबारी कहने वाले फ़लाँ फ़लाँ कहने वाले तुम कौन हो तुम्हारी हैसियत क्या है तुम अपनी फ़िक्र करो तुम अपनी फ़िक्र करो सहाबा तो वो थे अल्ला अकबर कि उनका मकाम क्यों बड़ा दुनिया में उन्होंने वो आमाल किए और तुम है बेवकूफ़ इंसान उनको गालियाँ देकर उनकी बुराई करके उनको फ़लाँ फ़लाँ कहकर अपना परसेंटेज गिरा रहे हैं और सहाबा तो उनका नाम अमल बढ़ रहा है बढ़ रहा है तुम कितनी गाली देते हो दो कितनी हिम्मत करते जुरत अगर अल्लाह का डर नहीं करो लेकिन सज़ा भी भुगतना पड़ेगा सहाबा को अंबिया को गाली देकर सहाबा को गाली देकर हम कामयाब हो सकते हैं नौज़ बिल्लाक वो तो कामयाब हो गए रब ने खुशखबरी सुनाई रब ने गारंटी दे दी है हमारी गारंटी किसी ने नहीं दी हम ये गारंटी दे रहे हैं हम ले करके दीन पर शरीयत पर शरीयत के पासबाँ पर हम बता रहे हैं खुद के हम कहाँ हैं हम मुनाफिक हैं तुम गारंटी दे रहे हो हम फलां हैं तुम गार हम दरबारी हैं तुम गारंटी दे रहे हो नौज मिन मंदिर यही तो फ़र्क था सहाबा में साहबा में यही फ़र्क था कि अपनों से उन्होंने मोहब्बत की नफरत नहीं की आज तुम अपनों से नफरत करते हो नउज़ बिल्लामिक मैं यार क्या है तुम्हारा मोहब्बत करने का घर में घुसाए हैं ऐसे लोगों को जो दुश्मन हैं घर के अपनी सोसाइटी में ऐसे लोगों को हमने जगह दी है आज के जो भी बुरे लोग हैं उनको हम मौका दे रहे हैं ये अल्लाह का अजाब भी है और हम मौका दे रहे हैं हम जब हमारा ईमान कमज़ोर अकीदा कमज़ोर अल्लाह पे भरोसा कमज़ोर तो दुश्मन डराएगा तो नहीं और क्या करेगा सहाबा से दुश्मन डरते थे आज हम दुश्मन से डर रहे हैं बिल्लाह में दालिक ये ख़ूबी देखी अल्लाह ताला ने दी कब दी ईमान ईमान तवक्कुल भरोसा यकीन तखवा ऐसी जो सिफ़ा सहाबा ने अपने अंदर पैदा यही फ़र्क है हमने सिर्फ ज़बान की हद तक हमने रखा है दिल में अभी ईमान दाखिल नहीं हुआ दिल में ये तमाम चीज़ें हमारी दाखिल नहीं तभी तो हम ये हरकतें कर रहे हैं साहबा ने ऐसा नहीं किया ज़िंदगी बदल गई गुना होते भी तो तौबा करके उसको साफ़ कर देते आज हम हैं कि सिर्फ बहाने बनाते हैं ये फ़िक्र होती है कि और एक मरतबा कर लूँ देखूँगा सोचूंगा बुढ़ापा आएगा तो कर लेंगे देखें कोई गारंटी नहीं एक एक सांस के हम मोहताज एक एक सांस के हम मोहताज हैं और आज के हालात सब कुछ जानते हैं किसको पता नहीं कब जाएगा दुनिया से किसको ये वबा कि जाएगा पता नहीं दूर भाग रहे हैं मुसाफा करने वाले दूर भाग रहे हैं फला दूर तखाजा भी है एहतियात का तखाजा है उस पर भी अमल करें दुनिया में भाग रहे रहेमत का मंजर याद आता है योम या फिर मर उनाख़ी वोम ही वी वसाही बती हो बनी अपने भाई से वालदेन से भी बच्चों से भागेगा दुनिया में भाग रहे हैं सिर्फ एक वबा सुनकर झूठी रिपोर्ट पर भरोसा करके भी तहक़ीक करने वाले कर रहे हैं झूठी रिपोर्ट पर भरोसा करके भाग रहे हैं लाश से वहाँ साथ देंगे साहबा ने इसको समझा अल्लाह के नबी ने यही दर्श दिया अपनों को साहबा को इसी यही तरबियत है बातें तो बहुत हैं अमली तफादे हैं वक्त मेरा ख़त्म हो रहा है अमली तफादे हैं कि हम सही दीन को समझें नहीं समझ में आ रहा रब से जुड़ जाएँ आसान है रब से जुड़ जाए दुआ करें अल्लाह ताली आसान फरमाएगा हर मसला आसान मुश्किल भी है लेकिन नामुमकिन नहीं कोई चीज़ बदलना नामुमकिन नहीं मुश्किल है क़ुरबानियाँ देना पड़ेगी हर चीज़ जो तकादे ईमान के जो सहाबा ने किया उस पर चलना पड़ेगा तो तभी हम कामयाब होंगे अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को सही मानों में जो भी बातें हमने सुनी हैं समझने की तोफ़ी अता फरमाएँ ईमान जैसे लाना है जो तकादे हैं उस पर अमल करने की तोफ़ी दें इसके ख़िलाफ़ जो जर्ज़ियाँ और खिलाफ वर्जियाँ नवाख़द इस्लाम और दीगर जो भी खिलाफ़ वर्ज़ियाँ अल्लाह उन तमाम से हमारी हिफाजत फरमाएं जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे हालत ईमान पर ज़िंदा रखे ख़ातिमत ईमान की हालत में हो अकुल अखलोदफाकम उमसिमिनज़म्न फ़स्तफ़रू उनफ़ुर वरमि वबरकू